द प्रिंट के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। बीते 20 अप्रैल को ही रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल असीम सलीम बाजवा को पाकिस्तान के PM इमरान खान के स्पेशल असिस्टेंट ऑन इन्फॉर्मेशन के तौर पर नियुक्त किया गया था, लेकिन अब जाकर उन्हें इस पद से इस्तीफा देना पड़ गया है। और ये इस्तीफा एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट के आने के बाद दिया गया है, जिसमें बाजवा पर अरबों रुपए के भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। शुरुआत में बाजवा ने इस रिपोर्ट को मालिशियस और प्रोपेगेंडा से प्रेरित बताते हुए खारिज कर दिया था। इतना ही नहीं, इस रिपोर्ट के पब्लिश होने के बाद पाकिस्तान की ट्रोल आर्मी ने इसे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी CPEC द रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के ऑपरेशन के खिलाफ एक षड्यंत्र के तौर पर स्थापित करने की भी कोशिश की थी। हालांकि सोशल मीडिया पर बाजवा को ही पिज्जा बिजनेस के लिए ट्रोल किया जा रहा है। तो आखिरकार ये जो खोजी रिपोर्ट है उसमें क्या खुलासा किया गया है? दरअसल 27 अगस्त को पाकिस्तान के इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट अहमद नूरानी ने फैक्ट फोकस नाम की एक वेबसाइट पर बाजवा और उनके परिवार की संपत्ति को लेकर एक रिपोर्ट छापी थी। इस रिपोर्ट की सत्यता के लिए उन्होंने डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी दिए थे। नूरानी ने अपनी रिपोर्ट में सवाल उठाए हैं कि जैसे जैसे पाकिस्तानी सेना में असीम बाजवा का कद बढ़ता गया, वैसे वैसे ही बाजवा के परिवार का बिजनेस भी चमत्कारी ढंग से बढ़ता गया। असीम सलीम बाजवा पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता भी रहे हैं और उनको लेकर कहा गया है कि CPEC के चेयरमैन का पद भी उन्हें इमरान खान से नज़दीकियों के चलते मिला है, क्योंकि ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है और इसी वजह से फौज के किसी आदमी को इस पद पर बैठाए जाने को लेकर काफ़ी विरोध भी हुआ था। अपनी रिपोर्ट में नूरानी ने यह भी बताया है कि बाजवा के परिवार का कारोबार कई देशों जैसे US, UAE और कनाडा में भी फैला हुआ है। इसके लिए वो हमें 2002 में वापस ले चलते हैं। उस वक्त बाजवा के छोटे भाई ने अपना एक पिज्ज़ा रेस्तरां खोला था और ये वही साल था जब बाजवा ने लेफ्टिनेंट कर्नल के रूप में जनरल परवेज मुशर्रफ के लिए काम करना शुरू किया था। उस जमाने में उनके भाई नदीम बाजवा पिज्जा रेस्टोरेंट में एक डिलीवरी बॉय का काम किया करते थे, लेकिन आज नदीम और असीम बाजवा की पत्नी 99 कंपनियों के मालिक हैं। बाजवा के परिवार के पास 133 पिज्ज़ा जॉइंट्स हैं और US में 13 कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ हैं, जिसमें 2 शॉपिंग मॉल भी हैं। इन 99 कंपनियों में 66 मुख्य कंपनियां हैं जबकि 33 ब्रांच कंपनियां हैं। इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि बाजवा के परिवार ने उनके जनरल रहते हुए $52 मिलियन के अपने बिजनेस को बढ़ाया और इसके साथ ही अमेरिका में $14.5 मिलियन की संपत्ति खरीदी। रिपोर्ट के बाद अब पाकिस्तान में सियासी माहौल कैसा है? इस रिपोर्ट के छपने के बाद पाकिस्तान की विपक्षी पार्टियों ने काफी बवाल मचाया है। बाजवा ने जून 2020 में अपने शपथ पत्र में ये घोषणा भी की थी कि उनके और उनकी पत्नी के पास प्रॉपर्टी के नाम पर 31 लाख रुपए की सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट है। उन्होंने ये भी घोषणा की थी कि उनकी पत्नी और उनके पास पाकिस्तान के बाहर किसी भी तरह की कोई भी प्रॉपर्टी या बिजनेस नहीं है। हालांकि बाजवा ने इस रिपोर्ट को साफ तौर पर खारिज कर दिया है, लेकिन पाकिस्तान के राष्ट्रीय अखबारों में इलीट वर्ग की चुप्पी को लेकर एडिटोरियल्स लिखे जा रहे हैं। और उधर विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी भी पाकिस्तान की सेना को खुश करने के चक्कर में लगे हुए हैं। उन्होंने इस रिपोर्ट की प्रामाणिकता पर संदेह जताते हुए कहा है कि इसे छापने वाले पत्रकार ने बिना किसी सबूत के ही रिपोर्ट को लिख दिया है। गुरुवार को ट्विटर पर अपना इस्तीफा देते हुए बाजवा ने लिखा है कि मैं अपने और अपने परिवार पर लगाए गए इन आधारहीन आरोपों का जोरदार खंडन करता हूं। ये हमारी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने की एक और कोशिश है। आई हैव एंड विल ऑलवेज सर्व पाकिस्तानी विद प्राइड एंड डिग्निटी। हालांकि बाजवा ने अभी तक CPEC परियोजना के चेयरमैन के पद से इस्तीफा नहीं दिया है। उन्होंने पाकिस्तानी मीडिया से ये भी कहा है कि मैं चाहता हूं कि प्रधानमंत्री मुझे CPEC परियोजना पर फोकस करने के लिए अलाउ करेंगे, क्योंकि मैं विश्वास करता हूं कि ये प्रोजेक्ट हमारे देश का भविष्य है। अब खबरें आई हैं कि PM इमरान खान ने इस्तीफा स्वीकार करने से मना कर दिया है। PTI के ऑफिशियल अकाउंट ने एक ट्वीट को रीट्वीट किया है, जिसमें बताया गया है कि बाजवा ने अपनी तरफ से एविडेंसेस रखे हैं जिनसे PM इमरान खान संतुष्ट नजर आ रहे हैं, तो फिर बाजवा PM इमरान खान के स्पेशल असिस्टेंट के तौर पर काम करते रहेंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे शेयर करिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए और द प्रिंट को सोशल मीडिया हैंडल्स पर फॉलो करिए। मैं ज्योति यादव, द प्रिंट।